है, पहले टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति चले गए, राष्ट्रपति भवन में जाकर उन्होंने पूछा कि भारत की पहचान के रूप में भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं, जब आप उनको विदा करते हैं तो भारत की पहचान के रूप में क्या दिया जाता है? वो कांग्रेसी थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम ताजमहल देते हैं। ताजमहल भारत की पहचान हो सकता है? नहीं। उसमें मेरा दूसरा पॉइंट भी है, कुरान में, इस्लाम में कब्रें हराम हैं। कब्र का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये जो देश भर में जमीन घेरने और इस्लामिक दुकान चलाने के लिए और इस्लामिक आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए ये जो कब्रिस्तान बने हुए हैं कि यहां इसका कब्रिस्तान है, वहां उसका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। मोहम्मद साहब की कब्र देखी है कहीं आपने? नहीं है। इस्लाम में किसी की मौत हो जाने के बाद उसे दफना दिया जाता है, लेकिन उस कब्र के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई जा सकती, उसके बाद वो फिर दोबारा से जमीन वैसी हो जाती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान और इस इलाके के अंदर इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इस एजेंडे के साथ चल रहा है। यानी ताजमहल को आप कितना भी सुंदर बना दें, लेकिन उसके मूल में दो कब्रें हैं कि दो लोग सो रहे हैं, दो प्यार करने वाले सो रहे हैं, यह बताया जाता है। उस कहानी पर नहीं जाना चाहता कि वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा इशू नहीं है। लेकिन आप कब्रों को कब से अपने घर में रखने लगे? उनके तो हिसाब से गैर इस्लामिक है। हिंदू पद्धति में भी क्या अस्थियां अपने घर पर रखते? तो कब्र को खरीद के क्यों लाते और क्यों वो भारत की पहचान बना दी गई और भारत उसे शान से विदेशी मेहमानों को दे रहा है? और अगर आप दे रहे थे तो विदेशी मेहमान भी यही समझ रहे हैं कि इस देश में जो मुगल बादशाह आए थे वो भारत की धरोहर है। मैं गलत कह रहा हूं? आप उन दौर के लोगों की कोई चीज देते हैं तो इसका मतलब है आप मानते हैं। इसीलिए छोटी सी घटना का फर्क कितना बड़ा समाज पे होना होता है। इन्होंने पूछा, उन्होंने बेफिक्री में बता दिया कि ताजमहल देते हैं। ये साहब अपना होमवर्क करके गए थे। इन्होंने कहा ताजमहल पहचान कब से हो गई? उन्होंने कहा यह दिया जा रहा है, यह परंपरा है। उन्होंने कहा बंद कर दीजिए। उसी दिन से एक फैसला हुआ। यह बहुत बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, आपके लिए बहुत बड़ी हैं, कि ये जो दिन में रात में सरकारें चलती हैं, इन सरकारों में हजारों काम ऐसे होते हैं जिसका प्रचार 370 की तरह नहीं किया जाता। उस शख्स ने उसी दिन एक आदेश जारी करवाया, राष्ट्रपति भवन से वो आदेश जारी हुआ और यह कहा कि आज से ताजमहल भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान क्या है? उसने आदेश दिया, क्योंकि उसका होमवर्क पहले से मौजूद था। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में गीता छपेगी और गीता ही भारत की पहचान के रूप में दी जाएगी।